नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप CSC में पैसे को ऐड कर सकते हैं, और जो CSC में पैसे ऐड करने का सिस्टम था, वो तरीका था, वो बदल चुका है, और बदले हुए CSC में आप किस तरह से पैसे को ऐड कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वॉलेट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको अमाउंट दिखाई दे देंगे, कितने ऑपरेटर हैं, कितने अमाउंट हैं आपके बैलेंस बचे हुए वॉलेट में, तो सारा कुछ वहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे येलो लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मनी टू ओवर वॉलेट। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो जो भी आप अमाउंट ऐड करना चाहते हैं CSC में, वो यहाँ पे अमाउंट आपको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम 500 रुपये ऐड करने वाले हैं, तो 500 रुपये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और इसके बाद जो भी आपका नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, जिससे आपका UPI ID चलता है वही नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और इसके बाद नीचे में देख सकते हैं ऐड मनी टू वॉलेट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज रिफ्रेश लेगा और यहाँ पर न्यू पेज पर आ जाएंगे। तो आप न्यू पेज पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे UPI ID फिल करना है। आप चाहे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप पैसे को ऐड कर पाएंगे, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसे को ऐड कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले UPI के माध्यम से पैसे को ऐड करके आपको दिखाने वाले हैं। जैसे ही आप UPI ID फिल करते हैं, इसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका UPI ID वेरीफाई हो जाएगा, और इसके बाद आप पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप पे बटन पे क्लिक करेंगे वो आप नए पेज पे आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 मिनट का समय दिया है, जो कि हमारे UPI ID में एक मैसेज आएगा, एक पॉपअप आएगा, और वहाँ से हम पेमेंट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से मैसेज आपके मोबाइल में आएंगे और किस तरह से आपको पेमेंट करना है। जैसे ही मैसेज आता है यहाँ वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको पे का। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में वहाँ पे अमाउंट दिखाई देंगे, जितना आप अमाउंट पे करना चाहते हैं। और इसके बाद आपको पिन नंबर फिल करना होगा। जैसे आप पिन नंबर फिल करेंगे आपका कंप्लीट वहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, अपना पिन नंबर फिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पर पिन नंबर डाल करके कम्प्लीट कर लिया है, तो हमारा यहाँ पर पेज रिफ्रेश ले रहा है और हमारा पेज यहाँ पर का जो भी ID था वो लॉग आउट हो चुका है। तो फिर से आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके आप देखें कि आपका अमाउंट अभी कितना है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना अमाउंट अभी हमारे वहाँ पे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और फिर साइन इन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। वॉलेट पर हम क्लिक करेंगे, समरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप 610 रुपये 17 पैसे हो चुके हैं, यानी कि हमारा 500 रुपये पैसे ऐड हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।